सब बोलते हैं वायरल तो हो नहीं रही है, अपना जिंदगी को मजाक बना के रख दी। हाय फ्रेंड, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग सीमा को यूट्यूब चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है फ्रेंड। और काफ़ी दिन के बाद हम ब्लॉग पर आए हैं क्योंकि बहुत बड़ी बात हो गई है फ्रेंड, हम आप सबको बताना ज़रूरी समझे इसीलिए हम आप सबको बताना चाहते हैं। क्या ना फ्रेंड, हमको वीडियो बनाना बहुत अच्छा लगता है फ्रेंड, बहुत मन से बहुत, तो बट इसी के लिए ही मतलब हम लोग का घर में झगड़ा हो रहा है फ्रेंड। क्या बताएंगे, मतलब हम दोनों पति पत्नी में इतना सर हुआ, मेरा हस्बैंड कभी बोले नहीं कि तुम वीडियो मत बनाओ, सोशल मीडिया से दूर रहो, कि ये मत करो, मत बनाओ, रील्स मत बनाओ, कभी रोक टोक नहीं किया फ्रेंड, कभी भी नहीं। मेरा खुशी में उसका खुशी नज़र आता है, बोलते हैं तुम खुश रहो खाली। जब हम बहुत टेंशन में रहते थे वही बोले कि तुम वीडियो वीडियो बनाओ, अपना टेंशन दूर करो, टेंशन में रहने का उनको कोई हक नहीं बनता है, तुम खुश रहा करो, तेरा शरीर पूरा ख़राब हो रहा है, वही बोले। और आज वही मेरे को मना कर दिए फ्रेंड लोग या वीडियो डालने में, क्या करें। सो फ्रेंड, हम ये नहीं कह रहे कि मेरा पति गलत है, क्योंकि अगर कोई भी अगर उनका जगह में रहेगा तो गुस्सा करने का जायज रहता है फ्रेंड, क्योंकि अचानक अगर कोई उनको बोल देगा कि तुम अपना वाइफ को इतना मतलब सर पे बैठा के रखे हो कि वो अपना मर्जी का मालिक है, तो हर चीज़ अपना मर्जी से करती है, कभी वीडियो बना लेती है तो कभी कुछ भी मतलब, तो आदमी ऑटोमेटिक गुस्सा हो जाएगा। सही बात ना नहीं, आप लोग भी बताइए कमेंट में। तो इसीलिए उनका जायज है गुस्सा करने को मेरे पर, लेकिन आदमी इतना क्यों टॉर्चर करता है। जब हम लोग कमाते हैं, हम लोग खाते हैं, हम लोग का खुशी में रहते हैं, हम लोग का मर्जी, तो दूसरा को तो प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए ना फ्रेंड। तो ये किस चीज़ का प्रॉब्लम है, जलन से ना आदमी बोल रहा है, गुस्सा कर रहा है, मतलब जलन से ही ना, कि मतलब जैसा वो लोग अपना बीवी लोग को रखते हैं बंदी करके, वैसे ही मेरा हस्बैंड भी मेरे को वैसे ही रखे, ऐसा नहीं होना चाहिए ना। आप ही बोलिए फ्रेंड, कोई अगर किसी को ये बात बोल रहा है तो जलन से बोल रहा है, तो मेरा हस्बैंड नहीं समझ रहा है, हम जानते हैं, तो बहुत कुछ बात हो। लेकिन फ्रेंड यही मेरा हस्बैंड ही बोलते थे कि तुम लाइफ में खुश रहा करो, वीडियो बनाओ, तुम खुश रहती हो, अच्छा लगता है, कभी कुछ टेंशन मत लो, आज तकलीफ है कल अच्छा दिन आएगा, इतना के लिए इतना बड़ा बात बोल दिया वो लोग, क्या बोलेंगे फ्रेंड बोलिए। मतलब आदमी को इतना भी टॉर्चर नहीं करना चाहिए बाहर वाला को, अगर घर वाला कुछ बोलते हैं वो अलग बात है कि चलो बड़े आदमी हैं समझा रहे, हम दोस्ती यारी में सब तो जला नहीं ना बोलेंगे फ्रेंड। हमको बहुत दुख लगा फ्रेंड, जानते हैं हम लाइफ में कभी दुख नहीं करते हैं, लेकिन पहली बार मेरा हस्बैंड मेरे को वीडियो के चलते गाली दिए ना, बहुत दुख लगा। हम इसीलिए दो दिन से वीडियो नहीं बना रहे थे। और आप लोग कमेंट करके बताइए कि हम ब्लॉग वीडियो डालेंगे या नहीं। सब बोलते हैं वायरल तो हो नहीं रही है, अपना ज़िंदगी को मजाक बना के रख दी। मजाक ही सही, हमको तो सुकून है ना फ्रेंड, हमको अच्छा लगता है, हमको हम वीडियो में वायरल होने के लिए हम वीडियो नहीं बना रहे, मेरा शौक है बनाने का इसलिए हम बना रहे हैं। थोड़े लोग दूसरा कुछ मतलब निकाल के मेरा पति से मेरा झगड़ा करा रहे थे, तो आप लोग यूट्यूब का कितना पावर है ना, आप लोग दिखा दीजिए, ये वीडियो मेरा हर जगह शेयर कीजिए, और सबसे ज़्यादा कमेंट कीजिए कि हम वीडियो बनाएंगे या नहीं, मेरा पति को ये लोग क्या जताना चाहते हैं, कि बीवी को दबा के रखे या बीवी से। और एक बात कहना चाहते हैं, क्योंकि मेरा हस्बैंड जो है ना दोस्त से भी बढ़कर है, क्योंकि मेरे को कभी माँ बाप का एहसास ही नहीं दिलाते हैं, आज तक हम अपना माँ बाप को छोड़ कर आए हैं, 14 साल हो गया करीब शादी करके, और बोलते हैं तुम काहे दुख रहती हो, हम तो कभी किसी भी चीज़ का तुमको कमी नहीं होने दिए, तकलीफ होने नहीं दिए, तुम काहे टेंशन लेती हो, सब चीज़ ठीक हो जाएगा, तकलीफ से घर की है अपना, यह नहीं हो कि हम लोग इसी चलते हम लोग पिछड़ जाएँ, हम अपना पति को बहुत प्यार करते हैं, बहुत ज़्यादा बोलने से बहुत ज़्यादा फ्रेंड, हम अपना पति को किसी चीज़ में दुख नहीं देखना चाहते हैं,
और आप लोग समझाइए कि हम वीडियो बनाएं या नहीं बनाएं। अगर कुछ गलती वीडियो बनाते हैं फ्रेंड तो अलग बात है, हम तो ऐसा कुछ गलत वीडियो नहीं ना बना रहे। हम अपना खुशी के लिए लिपसिंग करते हैं, कभी मन करता है तो डांस भी कर लेते हैं। हमको डांस बहुत पसंद है फ्रेंड बचपन से ही, इसीलिए हम वीडियो डालते रहते हैं। तो इन्हीं बात के लिए हम लोग का बीच में झगड़ा हो गया फ्रेंड, मेरा पता है कभी आज तक हुआ नहीं है वीडियो के चलते, लेकिन दो दिन से मतलब वीडियो के लिए झगड़ा हो रहा है। तो हम क्या करेंगे फ्रेंड बताइए। हम कभी कभी सोचते हैं हम लोग को इतना आदमी जलता क्यों है। कभी कभी फ्रेंड मेरा हस्बैंड बीच में ऐसा हो गया था ना, हम लोग को पैसा रहने से ही घूमने फिरने का बहुत शौक है, कहीं भी चल जाते हैं, कभी गैंगटॉक चल गए हैं तो कभी पूरी चल गए हैं। वो सबके लिए आदमी कमेंट करके बोलेगा, नहीं तो फ़ोन में बोलेगा तुम्हारा किस्मत बढ़िया है तुम लेकिन घूमने जानती हो। ये सब आदमी क्यों बोलता है, जलन से बोलता है ना फ्रेंड, ताकि वो लोग घूम नहीं सकता है। जब पैसा नहीं रहता है तो कभी बोलते हैं कि आज मेरे पास पैसा नहीं है, 1000 रुपया दिए रहो, उसमें भी बोलता है पैसा रहने से तो तुम लोग घूमने जानती हो और नहीं रहने से कैसा होती है बोलो। तो ये आदमी बात क्यों बोलेगा, जो जलता है उसे तभी ना बोलता है। एक पैसा नहीं है बोल सकता, आज मेरे पास पैसा नहीं है चलो ठीक है नहीं दे पाए, ये तो घूमने फिरने का जो ताना मारता है वो क्यों मारता है आदमी, जलन से ना फ्रेंड, क्या बताएंगे। आज इसी के लिए हम वीडियो बनाए थे फ्रेंड, और अगर आप लोग हो सके तो सपोर्ट कीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि हम आप वीडियो बनाएंगे या नहीं बनाएंगे। और आज के लिए इतना ही फ्रेंड, नमस्ते, बाय बाय।